क्यूटी और स्वीट सा केक बनाने जा रहे हैं। बताओ किस लिए? क्योंकि आज रेशल का बर्थडे है, इसलिए हम लोग बहुत अच्छा सा केक बनाएंगे पार्ले जी के, वो भी साथ। पार्ले जी है देखिए। और कौन सा बिस्किट डालेंगे? एंड ओरियो, ये देखिए आप तो देख ही सकते हैं। ये लीजिए। और क्या डालेंगे? और इसमें थोड़ा मिक्स करेंगे दूध, आपको तो दिख रहा होगा। बस यही? और तो कुछ चाहिए नहीं इसमें? नहीं बस। तो केक कौन बनाने वाला है? केक आज हम तीनों बनाएंगे। रेशल एक लड़की है जो आज उसका बर्थडे, उसको बनाना पड़ रहा है। और मैं जो जिसका बर्थडे हो गया है वो बनाने वाली है, और जिनका बर्थडे नहीं हुआ है वो भी बनाने वाली है। बड़े लोग कौन है? बड़े दो बड़े लोग, अंजलि और संस्कृति, और एक छोटी, वो इसका नाम है गुनगुन। धन्यवाद। डालेंगे पूरा तीन पैकेट पार्ले जी सारा बिस्किट। अब सारे बिस्किट को क्या करना है? तोड़ना फोड़ना है, जो हम लोग का फेवरेट काम है। इसमें डाल तोड़ तोड़ के अब पूरे ये स्लैब पे नहीं करना चीटिया, इतना नहीं तोड़ना है, खाली दो पीस करना है बस। ऐसे ऐसे एक हाथ से पकड़ो और ऐसे तोड़ दो। तुम कैमरा से तुम खाली पकड़ो, तुम ना तोड़ो, छोड़ो, हम तोड़ेंगे। ला पकड़ लो कैमरा, हमको ही तो तोड़ना है। चलो ठीक है तोड़ो। तो मस्ती में शुरू हो चुका है मेरा केक बनाने का पहला अटेम्प्ट, देखते हैं कैसा बनता है। सारा पार्ले जी जो था वो मैंने पीस लिया है। YouTube पे बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, लेकिन उसमें पार्ले जी को, और या तो पार्ले जी का बिस्किट है या फिर ओरियो का है, तो मैंने पार्ले जी और ओरियो मिक्स करके बनाया है। पार्ले जी को मैंने पूरा ग्राइंड कर लिया है, आप भी ऐसे बना सकते हो, एकदम बारीक फाइन, देखिए पाउडर है ये। इसको बनाने के बाद ओरियो को मैंने ग्राइंड नहीं किया है, ओरियो को हम बाद में इसमें तोड़ के मिलाएंगे। दूध जो आपको इसको मिक्स करने के लिए चाहिए वो एकदम से रूम टेम्परेचर पे चाहिए, ना गर्म हो ना ही वो फ्रिज का रखा हुआ ठंडा हो, एकदम से गर्म करके बाहर ही रख दीजिए उसको ठंडा होने के लिए। और इसको अच्छे से पूरा अच्छे से फेंट लीजिए, उसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होना चाहिए। एक और बात, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो इसमें आप 3-4 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं। मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है, इसलिए हमने इसमें चीनी नहीं डाली है। हम इसको जब केक बन के तैयार हो जाएगा तो हम उस पर थोड़ा सा बटर और आइसिंग शुगर, मतलब पिसी हुई चीनी को ही मिला के, और ऊपर से हम सजाएंगे तो उससे भी थोड़ा सा मीठापन आएगा। उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं बना दूँगी। वैसे YouTube पे बहुत सारा है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इन सब चीज़ों में। तो ये देखिए मैंने अच्छे से घोल लिया है, ज़्यादा पतला या फिर ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं कीजिए, दूध थोड़ा थोड़ा ही मिला के घोलिएगा जैसा कि मैंने किया है। ये बेकिंग पाउडर नहीं था मेरे पास, तो आधा चम्मच खाने वाला जो सोडा होता है वो डाला मैंने, आधा चम्मच से थोड़ा कम ही है। इसको दूध में घोल के और फिर उसी बिस्किट वाले पेस्ट में पूरा मिला लेंगे हम लोग, और मिलाने के बाद फिर बहुत ही अच्छे से घोलेंगे ताकि मतलब एकदम से चारों तरफ वो मिल जाए, ऐसा ना हो कि कहीं पे बेकिंग पाउडर हो और कहीं पे ना हो। तो देखिए जैसे मैं बहुत अच्छे से मिला रही हूँ, अगर आपको बनाना होगा ये केक तो ऐसे ही बहुत अच्छे से मिला लीजिएगा, और आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना पतला घोल बना है। ये बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बीच वाला जो होता है उतना है ये। ये मुझे घोलने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको, ये देखिए ये पोर करने में पता चल रहा है कितना गाढ़ा है। जो इसका केक का टिन होता है, कोई भी एल्यूमिनियम वाला जो बर्तन होता है ना वो चल जाएगा। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो लगा लीजिए उसमें कट करके, उससे बिल्कुल भी केक जलने का डर नहीं होता, बहुत ईजीली निकल जाता है। अगर बटर पेपर नहीं है तो बर्तन में मक्खन लगा के और उसके बाद थोड़ा सा उसके ऊपर मैदा छिड़क के भी आप यूज़ कर सकते हो, वैसे बन जाता है। मेरे पास बटर पेपर बहुत बहुत पहले से पड़ा हुआ था तो मैंने यूज़ कर लिया है। तो एक लेयर मैंने ये घोल का डाला है, और इसके बाद फिर से ये ओरियो बिस्किट तोड़ तोड़ के ये एक लेयर हम लोग डालेंगे, और उसके ऊपर से फिर से
घोल का एक लेयर बनाएंगे। वैसे आप चाहो ना तो पूरे बैटर जो है उसी में मिला सकते हो उसको तोड़ के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बस केक बना कम रहे थे और मस्ती ज़्यादा कर रहे थे, इसलिए ऑडियो मैंने इसलिए म्यूट कर दिया क्योंकि बच्चे इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा चिल्लों मचा रहे थे, इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे वो लोग, इसलिए। ये देखिए उसके ऊपर से एक और लेयर डाल दूँगी मैं, और इसको डालने के बाद पूरा अच्छे से मतलब इसमें कोई बबल्स नहीं रहना चाहिए, तो थोड़ा सा बर्तन को ठोक ठोक के बराबर कर लेंगे हम, पूरा इसकी लेयर एकदम बराबर हो जाए। मेरा बच जाएगा शायद, मैंने एक इसके बाद एक और केक बनाया था, ये वाला तो नहीं बचा था, लेकिन केक हमारे लिए इतना जितना बनाया था ये कम होता, तो मैंने एक और केक बनाया था, तो दो फ्लोर का केक हो गया था हमारा। ये देखिए ये तैयार हो गया। अच्छा, मैंने इसको बाटी वाले अवन में बनाया था, जो हम लोग के पास पता नहीं हमारे यहाँ बाटी बनती है तो ऐसा वाला होता है, तो इसमें हमने बनाया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप कुकर में जो नमक डाल के और उसके ऊपर कोई स्टैंड रख के भी बना सकते हैं, अगर इस तरह का है। इसमें बहुत अच्छे से बनता है केक। ये सिल्वर फॉयल मैंने लगा लिया था ताकि जो हीट होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी मेरी, क्योंकि बाटी ऑन में जो बीच में ना आँच जो बहुत अच्छे से नहीं लगती है, साइड साइड में लगती है, तो ये देखिए मेरा केक साइड से तो पक गया था लेकिन ये बीच में ना थोड़ा सा ये ऐसा रह गया था। फिर मैंने इसको थोड़ा सा खिसका के और 5 मिनट और बेक किया था तो हो गया था। कुल मिला के 35 मिनट लगे थे इसमें, इसको पकने में। ये देखिए केक मेरा एकदम बन के तैयार हो गया है। जो ऊपर से हमने आइसिंग और लगाई थी उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया। ये देखिए बहुत अच्छा केक बना था, एकदम स्पंजी बना था, और ऊपर से हम लोगों ने मक्खन में जो सॉल्टेड या अनसॉल्टेड जो भी बटर मिल जाए आपको इस समय, तो अनसॉल्टेड बटर को खूब फेंट लीजिए और उसके बाद उसमें चीनी पीस के डाल के फिर से फेंट लीजिए और थोड़ा सा दूध उसमें डालिए। ये देखिए सॉल्टेड अनसॉल्टेड बटर मिला ही नहीं, तो हमने सॉल्टेड बटर से ही बना लिया। तो चलिए फिर, अगर आप केक बनाएं तो इन्जॉय कीजिए, बनाइए, खाइए, एक बार ट्राई मारिए, अच्छा बनता है। और फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।